हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 3 जुलाई 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोना शेयर रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जो कि कुछ टाइम पहले ही एक बहुत शानदार कंपनी ने 3:1 रेशियो में बोनस शेयर दिया था अपने शेयर होल्डर को। यानी आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके साथ 3 आपको बोनस मिलेगा, यानी एग्जीक्यूशन के बाद टोटल एक ही शेयर आपका हो जाएगा 4 शेयर में। अब उसका जो एक्स डेट यानी एग्जीक्यूशन डेट, वो रखा गया कल 4 जुलाई को। इसका मतलब कल दोस्तों इसका बोनस एग्जीक्यूशन होगा, और उसके साथ साथ जो शेयर प्राइस रहेगा उसके अंदर भी दोस्तों आपको लगभग 1/4 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने 3:1 रेशियो पे बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया था। तो कंपनी का नाम दोस्तों EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड। मुझे अच्छे से याद है जब लास्ट ईयर इसका IPO आया था, तो IPO में मैं आपको अप्लाई करने का रेकमेंड किया था। तो जो लोग उस टाइम पे अप्लाई किया था, आज के दिन में दोस्तों डेफिनेटली करोड़पति है, क्योंकि अगर हम बात करें शेयर का प्राइस बहुत ही चीप वैल्यूएशन में आया गया था, 125 रुपये। उसके बाद हमने देखा था शेयर बहुत ऊपर तक गया था, इवन इसका जो ऑल टाइम हाई है अगर आप देखोगे दोस्तों ध्यान से 12,500 के आसपास है। उसके बाद हमने देखा था लगातार शेयर के अंदर गिरावट हुआ। आज अगर हम बात करें शेयर आपको करीबन 7,500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो कल दोस्तों जब इसका बोनस शेयर एग्जीक्यूटेड होगा, तो यहाँ पे दोस्तों इसका प्राइस भी 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने 3:1 रेशियो में बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया था। अब देखिए, कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिला, बट साथ साथ ये बात भी सही है कि कंपनी छोटा कंपनी है। मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है आप देख सकते हो लगभग 6,500 करोड़ के आसपास। पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू है। एक दो बार कंपनी डिविडेंड भी दिया था अपने शेयर होल्डर को। तो इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों आगे पीछे ध्यान से देखिए, एनालाइज कीजिए खुद, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों हमारे इस पे नेक्स्ट अपडेट है रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि एडिबल ऑयल सेक्टर के बहुत यहाँ पे बढ़िया कंपनी है और साथ साथ दिग्गज कंपनी भी है। लास्ट एक महीने पे शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिला। फिलहाल दोस्तों आज की डेट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, जैसे कि आप देख सकते हो न्यूज़ का हेडलाइन आपके सामने है। असम इंक्स MOU विद पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड्स मतलब अभी तो रुचि सोया का जो नेम वो चेंज हो चुका है पतंजलि फूड्स, तो बहुत जल्दी आपको शेयर मार्केट के अंदर भी उसका नाम परिवर्तित देखने को मिलेगा। फॉर ऑयल पाम प्लांटेशन एंड मील, तो बेसिकली दोस्तों असम गवर्नमेंट की तरफ साथ यहाँ पे जो पतंजलि फूड है उनके साथ ये पार्टनरशिप हुआ है। किस चीज़ को लेके? ऑयल फार्मिंग के लिए, मतलब ऑयल का जो यहाँ पे जो पम ऑयल है उसको प्लांटेशन, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे प्लांट बनाने के लिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हो, असम गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU विद रुचि सोया इंडस्ट्री, मतलब जो कि आज के दिन पे पतंजलि फूड्स हो चुका है, फॉर ऑयल पाम प्लांटिंग एंड ऑयल मिल इन असम। तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर हम बात करें दूसरे जो स्टेट्स है वहाँ पे भी कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो कि मार्केट कैप्चर है, साथ साथ अगर हम बात करें प्लांट वगैरह भी है, ठीक है। उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट साइड है इंडिया का, वहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे अपने मार्केट को और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर आपको इसका झलक देखने को मिलेगा। बट साथ साथ आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए, आज अगर हम बात करें रुचि सोया का जो शेयर है वो ASM लिस्ट की स्टेज 4 में है, जिस वजह से थोड़ा बहुत रिस्क भी है। तो यहाँ पे मेरा सिंपल सजेशन रहेगा कि आपके पास अगर रुचि सोया का शेयर है तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, सेल करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। बट इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको बोलूँगा थोड़ा वेट कर जाइए ASM लिस्ट के बाहर आने का, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे इस पर नेक्स्ट अपडेट है इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, उसके साथ साथ ONGC, ये सारे शेयर हमने देखा था फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट या क्रैश देखने को मिला। उसके पीछे जो मेन रीज़न था कि जो ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक जो कि चार्जेस वगैरह लगा दिया, यानी टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा ऐड किया। तो ये तो हम कारण तो हमने इसके पहले वीडियो में हमने देखा था जब 2 दिन पहले ये हुआ था। फिलहाल दोस्तों आज की दिन पे दोस्तों जो मार्केट का जो एक्सपर्ट्स हैं या एनालिस्ट हैं उनके तरफ से लगातार रिलायंस के अंदर बाई ऑन डिप स्टडी से बाई करने का रिकमेंडेशन दिया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पंकज मुरार का नाम का कोई एक्सपर्ट है, इनके तरफ से जो स्टेटमेंट दिया, यूज़ द लेटेस्ट फॉल टू बाई इनटू रिलायंस। तो बेसिकली यहाँ पे बाई ऑन डिप्स में बाई करने का राय दिया। और उसके साथ साथ देखिए दूसरे अगर हम बात करें ITC एमंग सिद्धार्थ कम खेम का टॉप पिक फॉर नेक्स्ट 12-18 मंथ्स। तो बेसिकली यहाँ पे ITC साथ साथ यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी यहाँ बाइंग का रिकमेंडेशन दिया, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर दोस्तों अचानक से जो गिरा, तो इसका दोस्तों आपको फायदा पूरा उठाना चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ साथ इसका जो लॉन्ग टर्म का विजन है वो काफ़ी क्लियर है, क्योंकि कंपनी हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री लगातार हमें रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। उसके साथ साथ बाकी जो सेक्टर्स है, चाहे वो रिलायंस डिजिटल यानी Jio, साथ साथ रिलायंस डिजिटल के ऊपर भी कंपनी अच्छा खासा जो कि यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिला।
का साथ साथ इसका जो O2C बिजनेस है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है वो भी काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। और इस बार दोस्तों काफ़ी अच्छा कंपनी का रिजल्ट भी आने का चांस है, क्योंकि मार्जिन दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो जिस वजह से दोस्तों रिलायंस के अंदर मेरा भी रिकमेंडेशन है, जितना हो सके बाय ऑन डिप्स में शेयर को पिक कीजिए। तो दोस्तों हमारे लिस्ट पे नेक्स्ट अपडेट है डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हमें या थोड़ा थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिला। फिलहाल दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि जून का महीना खत्म हो चुका है, तो अभी सारे कंपनीज का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट का भी डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे 9 जुलाई को एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट का रिजल्ट आउट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक एस्टिमेट आउट किया है जो कि एनालिस्ट द्वारा, डीमार्ट क्वार्टर वन रेवेन्यू जंप ऑलमोस्ट टू फोल्ड टू ₹9,806 करोड़। तो बेसिकली दोस्तों डीमार्ट का जो क्वार्टर वन जो का मतलब जिसका रिजल्ट आउट होगा 9 जुलाई को, उसके अंदर दोस्तों जो रेवेन्यू है उसके अंदर लगभग दुगना ग्रोथ यानी 100% ग्रोथ हमें देखने को मिला लगभग, जो कि हमने देखा था लास्ट ईयर पे यही नंबर आया था ऑलमोस्ट 5,131 करोड़ रुपये का। इस बार दोस्तों ये नंबर आया है 9,806 करोड़ रुपए का, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 गुना हो चुका है। तो इसे अब आप साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा जंप आने का चांस है। और ऑब्वियसली शेयर आज बहुत ज़्यादा गिरावट में, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा सीधी सीधी रिकमेंडेशन रहेगा, बहुत लोग मुझे पूछ भी रहा था कमेंट पे कि सर हम डीमार्ट को बाई करें या नौकरी को बाई करें, क्योंकि लोग थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि नौकरी या डीमार्ट, क्योंकि लोग कन्फ्यूज है। तो यहाँ पे मेरा सिंपल सी सजेशन है, दोनों ही कंपनी बेहतरीन है, ठीक है, बट ये दोनों कंपनी में से अगर कोई एक कंपनी को चूज़ करना है, मैं हमेशा डीमार्ट के साथ ही जाना चाहूँगा। तो आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए, आप कौन से कंपनी को चूज़ करोगे, डीमार्ट या नौकरी। मेरी तरफ से यहाँ पे डीमार्ट ही बेस्ट है। तो दोस्तों मेरे लिस्ट पर नेक्स्ट अपडेट है डिविडेंड से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंपनी ने कुछ दिन पहले ही अपने शेयर होल्डर के लिए फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया था ₹30 का, साथ साथ स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया था ₹60 का, यानी दोनों मिला के ₹90 का डिविडेंड कंपनी पे करेगा अपने शेयर होल्डर को, जिसका एक डेट रखा गया 7 जुलाई 2022, यानी आपके हाथ में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। आप अगर 6 जुलाई या तो उसके पहले बाई करते हो कंपनी का शेयर, तो डेफिनेटली आपको ₹90 का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी का नाम दोस्तों आपके सामने ग्लैक्सोस्मिथ क्लीन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो बेसिकली एक फार्मा सेक्टर का कंपनी है। शेयर प्राइस आपको ₹1,500 के आसपास मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ₹90 का डिविडेंड दोस्तों ये कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं है, काफ़ी सॉलिड डिविडेंड कंपनी दे रहा है। इवन कंपनी इसके पहले भी हमने देखा था काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है, तो जिस वजह से इसका डिविडेंड यील्ड है 2% को बढ़ा, साथ साथ एक मिड कैप कंपनी है। लास्ट 6 महीने पर मार्केट की तरह शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिला, बट 5 साल की जब बात आता है तो यहाँ पर थोड़ा वॉलेटाइल, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों शेयर ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न कमा किया। बट हाँ, फार्मा सेक्टर का शेयर है, तो जिस वजह से दोस्तों आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि थोड़ा बहुत स्लो ओवर भी है, बाकी दोस्तों खुद प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों मैं लिस्ट पे नेक्स्ट अपडेट है CDSL शुरू करेंगे, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। CDSL के अंदर दोस्तों लास्ट 5 दिन की अगर हम बात करें, शेयर के अंदर काफ़ी स्टेबल हमें नज़र आ रहा था। देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल तो था, बट इसके पहले हमने देखा था जो एकदम शार्प डाउनफॉल हुआ था लास्ट 6 महीने की अगर हम बात करें, तो देखिए बीच बीच में एकदम से शेयर गिर गया था। वो गिरावट दोस्तों अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें स्टेबल देखने को मिला। लोग बहुत यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कमेंट पे कि सर CDSL के अंदर क्या करें हम, क्या बाई करें या अभी थोड़ा सा वेट करें। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि लास्ट कुछ दिनों की जो शेयर ट्रेडिंग हुआ है उसके ऊपर बेस करके कि आप धीरे धीरे इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा, हर 100 पॉइंट की गैप में आप आपकी जो बजट के अनुसार कुछ सर्टेन क्वांटिटी यहाँ पे बाई कीजिए, क्योंकि आखिर का दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको ही फायदा मिलेगा। बाकी आपके पास अगर शेयर है तो यहाँ पे आप होल्ड कीजिए। लास्ट एंड फाइनल अपडेट दोस्तों हमारे लिस्ट में BSE लिमिटेड, जो कि लास्ट डे थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव देखने को मिला एंड के समय पे। लास्ट 5 दिन की बात करें तो देखिए CDSL की तरह ये शेयर भी नीचे की तरफ देखिए काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है एक पर्टिकुलर सर्टेन लेवल के ऊपर, जिसका नंबर निकल कर अप्रॉक्सीमेटली 590 से 600 के बीच में, ठीक है, जो कि लास्ट डे हमने देखा था इसका जो क्लोजिंग प्राइस था 600 के एकदम बॉर्डर लाइन पे था। इवन अगर हम बात करें लास्ट 1 महीने पे शेयर जहाँ पे एकदम से मुंह पे बगल गिरा था, आप देख सकते हो एकदम से गिर गया था, ऑलमोस्ट 550 तक पहुँच गया था, वही देखिए लास्ट 2 हफ्ते के भीतर काफ़ी यहाँ पे स्टेबल या काफ़ी कंसोलिडेट देखने को मिला, यानी नीचे की तरफ दोस्तों अभी बार बार शेयर नहीं जा रहा है। तो इस केस में मैं आपको बोलूँगा कि BSE के अंदर आप यहाँ पे धीरे धीरे करके स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, समझ लीजिए कि आप 10,000 इन्वेस्ट करना का मतलब यहाँ पे टारगेट किया, उस केस में आप उसका 1/4 मतलब समझ लीजिए 2,500 से इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ये कंपनी भी दोस्तों बेहतरीन कंपनी है, जो कि इन फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो वीडियो के भी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर इनक्रेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।